गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रोड रेंजर। आज हमारी ट्रिप का डे टू और एक्सप्लोर करने का आज है भाई हमारा डे वन। भाई टाइम हो रहा सुबह के 7:30 और बाहर का मौसम देखो भाई, मौसम तो बढ़िया बाहर का। भाई गोवा की अलग ही वाइब है पूरी। एक थोड़ा वाइड एंगल करते हैं भाई, वाइड एंगल सुबह सुबह भाई। हो भाई जिन्होंने कल पहली वीडियो नहीं देखी, ये हमारा रूम है आज का, इस बार का सॉरी। विपिन यहाँ से था, मोनू यहाँ, मैं वहाँ। चार दिन का जुगाड़ पूरा नीचे लगा रखा हमने एक्सटेंशन में सारा। ये वॉशरूम हो रही है, बाहर का सीन दिखाता हूँ। ये छोटी सी बालकनी है हमारी, ये रोड सीधी आती है कलंगुट, आगे से जाके राइट मोड़ो कलंगुट रोड स्टार्ट हो जाएगी। क्या मौसम है यार, अभी सुबह का टाइम हो रखा है इस टाइम में 8:30। मैं मस्त गाने लगे हुए और बाहर ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गए, देखते हैं क्या सीन है ब्रेकफास्ट का। भाई अभी हालत तो गया है भाई, ब्रेकफास्ट रात को नींद ना बढ़िया नहीं आई यार। मैं ना रात को सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी ली और भाई उसकी वजह से कम 2-2.5 बजे तक जागता रहा, नींद ही नहीं आई भाई। ये तो सो गए थे दोनों आराम। आज भाई डे वन, ब्रेकफास्ट में क्या है, सबसे पहले हैं भाई अपने सैंडविच, स्वीट शीरा, और ये है भाई मिक्स वेज पराठा, पोहा, और ये है भाई आलू भाजी, पूरी भाजी, और ये भाई पूरी साथ बनाना कॉफ़ी और टी। और भाई ये है सामने व्यू अपना, वो पुराड़ कमरा है अपना वीए वाला। ये भाई सुबह होटल बना तक लो, बढ़िया चीन सेट है, सही है पराठा भी चाहिए इनका। ये पोहा इनकी स्वीट डिश है, एक मिक्स वेज परोठा है। बस स्कूटी कर ली मैं 9:30 बजे रेंट पर नाश्ता वास्ता करके, ठीक है। एक ब्लैक कलर की फसी ना, और एक हेपी शर्ट वो रेड कलर की, दो स्कूटी ले ली भाई। जो यहाँ पर रेंट लेते हैं स्कूटी ले लो चाहे गाड़ी ले लो, टाइमिंग रहती है 9 AM to 9 AM नेक्स्ट डे 24 आवर्स की। ₹16.66 तो पहले 3.5 रुपए दे, 3 रुपए 33 पैसे दे, पहले एक हाथ दे, एक हाथ दे, ना ना भाई 20 दे तू पहले, 4.5 मैं 4 रुपए दे पहले भाई। देख अब मेरे को तेरे से लेने 6.5 रुपए, ठीक है ना, 6.5 बोल मत जियो भाई, सुनो व्हाट्सएप डाल दे, देख ले भाई मोटा ही साहब है, नहीं व्हाट्सएप डाल दे भाई, ला भाई तेरे पर 3600 रुपए आ गया भाई, कहां यार आएगा भाई, तब मानूंगा ऐसे तुम्हारी जबान नहीं चलेगी अब इसकी जेब में 2200 रुपए पड़े हैं, 2100 को तू कह रहा 3600 आ गया, 200 मंदिर से लेने तो भाई 2200 चाहिए पूरे, 1 रुपया कम नहीं होना, ये कितना हो गया 1200, हाँ हैं, हाँ हाँ भैया 100 रुपए देता भाई तू, भाई नहीं है ना 60 रुपए नहीं मानूंगा, तुम अपने आप कर लो एक काउंटर लो, ना ना भाई मैंने अपने तो से भाई 3600 रुपए तेरे को दे दिया, कहाँ दिया मित्र, हाँ मैंने मनु को दे दिया भाई 2100 रुपए पड़े हैं मनु, मैंने तूने नहीं देने,1500 रुपए दे दो यार, 1200 का नोट दे दो, 1300 पहले 200 का नोट दे दो, ये ले पहले 1500 का नोट आ गया, अब तू 500 का नोट दे,
अब इसे 300 देने हैं ना, क्यों भाई 1200 दिए ना इसने पहले, क्यों 100 रुपए देना, जो 100 तूने को देना था वो वाला स्कूटी वाला वो चल, जो 100 स्कूटी वाला वो तूने स्कूटी वाला ना, चल मेरे दिमाग इधर चल, 100 रुपए से 60 रुपए देना नहीं और दे 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 भाई मेरे को यहां पे 250 मैंने दिए गोल दे दिया बराबर ये धंधा ये कमा गया बेटा, आज दिन में सुबह वो उसको स्माइल दे दिन में कोई कोने में लेके पेमेंट पूरा दिन निकल गया, कलेक्शन कुछ है नहीं थी, पूरा दिन निकल गया, हाथ में जो आते हैं ना वही भाई भाई रेडी जाने के लिए टाइम हो गया भाई 10:11 प्लान है आज का हमारा जाने का यहाँ से एक्वेरियम बीच, क्योंकि जितनी बारी मैंने विजिट किया भाई गोवा आज तक कभी मैं एक्वेरियम बीच नहीं गया, वो महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, लास्ट बीच है यहाँ से गोवा का और वहाँ से महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे, कोई भी नहीं गया हम में से भाई, कोई नहीं गया, मेरी 6th विजिट है गोवा में और मैं आज तक कभी नहीं गया, आ गया भाई अपनी स्कूटी के पास, बाइक अपनी ये स्कूटी है रेड और एक ये है ब्लैक, तो भैया पहले हमारा सीन है जाने का यहाँ से कहाँ पे एक्वेरियम बीच, और यहाँ से मेरे हिसाब से वो लॉन्गेस्ट रूट रहेगा हमारा और हमको काफ़ी दूर पड़ेगा, तो भाई आइडिया है मेरा कि लगभग हमको पड़ेगा भाई यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटा या 1.5 घंटा इतना तो कम से कम हमको लगेगा, ये नाश्ता वास्ता हमने कर लिया, अब रुकना भाई हमको कहीं पर भी नहीं है रास्ते में, डायरेक्ट चलेंगे भाई, बाल बाल थोड़ा इग्नोर कर देना, तो कौन चलाएगा रेड के ब्लैक चला लूंगा, इसमें थोड़ा वो लाइट जल रही होगा, ऐसी चाबी दे फिर सामान रखूं, ये सही होगा लगभग लगभग भाई, मेरा तो बैग ना हैवी हो गया 10:20 हो गए, सॉरी 10:30 हो गए भाई, ये अपना होटल था, आपने लास्ट मेरी ब्लॉग में देखा होगा जो मेरा गोवा वाला ब्लॉग था, होटल कासल हाउस, ऊपर वाला हमारा रूम है ये पहला और वो दूसरा रूम है हमारा, हमने मोनोपोड लिया है, ये डिग्गी में आ नहीं रहा तो इसको हाथ में कैरी करना पड़ेगा, वेट कर लियो आ जा, हाँ पेट्रोल मैंने तो उसका भाई देखा था 2 डंडी थी, यहाँ से राइट मोड़ ले, ये जगह पार है, मैंने जैसे बताया था ना तेरे को, हाँ ठीक भाई, पहले हम जा रहे हैं पारा रोड, मेरा फ़ोन निकाल रहे हैं उसके लिए नेविगेशन के लिए, दिक्कत हो रही रास्ता ढूंढने में, लोकेशन अभी लोकेशन वो डाल दे, पारा रोड PA RR हटो पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, भाई आ गया अपना पारा रोड,
भाई यहाँ पर हम आए थे 1.5 साल पहले, अगर आपने व्लॉग्स देखे तो यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी रेड कलर की स्विफ्ट, और ये सामने आ गया भाई पारा रोड। और 1.5 साल बाद आ रहे, आज थोड़ा सा यहाँ पर रश कम है कंपेरेटिवली लास्ट टाइम से। भाई ये इस टाइम है हम द ब्यूटीफुल पारा रोड ऑफ गोवा। भाई पेट्रोल पंप आए हैं पेट्रोल भराने के लिए, इतना घूम के आए हैं रोड, पहले यहीं से गए थे हम कहीं घूम फिर के, हमें तो लागे से भरा आगे मिले नहीं के पेट्रोल पंप, फिर साला घूम फिर के यहीं आए हैं। तो हम वो पहले जा रहे थे, अच्छा वो डबल रोड पे है उसी पे, ये रोड ये अलग है गांव पाली भाई गांव पाली यही बात तू मुझे प्यार से कहता तो मैं जरूर आता। ये देख लो भाई अल्टीमेट है रोड, रोड तो अल्टीमेट है भाई। रास्ता डाल दिया अब अपना क्वेरियम बीच का, यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है और है सिर्फ 18-19 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा जाम वाम होगा भाई रास्ते, पता नहीं क्या सीन है। किलोमीटर पे पहुंच गए, अरे बहुत बारी काम है। हाँ कमेंट लागे भाई, एक ब्रेक लिया हमने छोटा सा, कौन सा ब्रेक, गन्ना ब्रेक भाई, कैसे दिया ग्लास है, ठंडा होगा भाई भाई। और ये भी डालते क्या पाइन एप्पल है, ओहो भाई थोड़ा रेस्ट लेंगे। बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने ये रोड भाई, कैलन गुड से सीधा जा रहा है अंजुना होते हुए वेगेटर आ गए, इसके सामने रुके बिल्कुल फर्स्ट क्लास जूस के लिए भाई नज़ारा। हाँ ओके थैंक यू ब्रो, चीयर्स। भाई रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा, अभी भी यहाँ से दिखा रहा है भाई 13 मिनट और 6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। भाई रास्ता क्वेरियम बीच का हल्का सा ऑफ रोड आ गया, चलते चलते चलो चलते सीधे यहाँ से ले, यहाँ से भाई क्या चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये पत्थर होते ना ये मुंबई में रखते हैं बड़े, भाई ये आ गया अपना क्वेरियम बीच, कुछ है नहीं यहाँ पर, ये देख लो भाई भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, ना शैक है ना कुछ है, उस साइड महाराष्ट्र है इस साइड गोवा है, पूरा बीच खाली पड़ा है वहां पर, बस भाई एक अंग्रेज है देखता हूँ अगर जूम में अगर आ जाए तो, वो देखो भाई बस यही है घूम रहे भाई, कोई भी नहीं
देखते हैं भाई क्या करें यहाँ पर। अभी टाइम हो रखा है भाई 12:37। भाई हमने ना यहीं पर ही एक्वेरियम बीच पे अभी सब बंद पड़े हुए हैं रेस्टोरेंट से, हमने टेबल लगा लिया अपना, छह पर्सनल टेबल बुक करा लिया पर्सनल टेबल ले लिया भाई हमने। क्या चल ठीक है, चल ठीक है, ओके। अब क्या करना है भाई? मैं कह रहा हूँ अब यहाँ से निकलते हैं, पहले चलते हैं अपना वेगेटर बीच, जोन सा बीच। मैं कहते हैं अश्विन भी आएगा, अश्विन भी आएगा और वेगेटर पहले आए उससे पहले रुको और बाद में उससे शाम को रुको, ऐसे करते हैं। वापसी में आएंगे चैनल वैनल ले गया भाई आपका? हाँ भैया। क्या नाम से है भैया? इंडियन रोड रहते। तो भाइयों ये था द लास्ट बीच ऑफ गोवा, एक्वेरियम बीच, जो बिल्कुल महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आता है। अब भाई यहाँ से निकल रहे, कुछ है नहीं यहाँ पर खास, बस यही खाली सा है भाई, जहाँ बैठना तुम बैठ दो, रिलैक्स मारो, चिल, कोई भी नहीं है। बहुत कुछ भूख सी लग रही है और एक आधी बियर मारेंगे सीधे जाके वेगेटर। तो एरिया में कुछ भी नहीं था भाई, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, मतलब ये ना है नहीं थे इसलिए चले गए ये सीधे चलेंगे अपना आराम बोल। अब आराम बोलो भाई, बढ़िया अपना खाएंगे पियेंगे मोल लेंगे भाई। अब हम पहुँच गए हैं वेगेटर बीच, तंदूरी चाय, वड़ा पाव, समोसा, सब कुछ है भाई, छोटा है। तो चल आगे चला के भी है गार्डन सिटी अपनी वेज थाली और फिश थाली। चल ये है भाई एंट्री अपनी, ले रहा हूँ, ले लेंगे। मोनो मोनो भाई एंट्री होगी अपनी सिर पे। अरे या। यार रिकॉर्ड भी हो गया भाई एंट्री हो गई है आराम बोल बीच की चश्मा का है सिर पे ही था सिर पे भाई तेरे वहां लगा दे आगे भाई क्या भी यहाँ लगा ले। अरे ये जो देखी हुई है करा रहे भाई, पार्किंग में लगा दी है अपनी स्कूटियाँ यहाँ पर। और अब भाई जा रहे हैं एरम बोल बीच। शेक ले लिया एरम बोल पे इस टाइम। ये शेक है अपना मोनू बसर के आते सारे ये नहीं कर रहा अब इसका देख लो पूछ लो इसे कुछ मंगा दिए नहीं तो वो रास्ता मोनू सही चिकन खाए समय
चिकन है क्या? चिकन है ना भाई, चिकन बोला चिकन ही होगा। अंदर होगा है? क्या क्वालिटी है भाई चिकन की, एक चिकन पूरा लोरी डैमे है। भैया बैठे अनमोल बीच पे, ये बैठा मोनू रखवाली कर रहा है बैग की, हम चल रहे हैं आगे। अब मौसम बढ़िया हो रहा है एकदम। क्या बोलो सर? अरे यहाँ ना काली काली बन रही है, बेकार गंदी मिल रही है, दूसरे बीच पे चलते हैं, हम महंगे मिले करते हैं, मज़ा नहीं आया यहाँ, उतना मज़ा रही नहीं है, काली काली आ रही है, काली आ रही है। मोनू यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा भाई, दूसरे चलेंगे सोनू, मजाक की बात नहीं, बिल्कुल पता नहीं, तेरी तो पहली बार मना। किसको खिलाएगा? ओ भाई विराट से निकल गए, और से निकल गए, मतलब वो मूड जो था ना, अरे मैं खाऊंगा, मैं छोड़ूंगा, तुम खा लोगे सालो, कुत्ते को दे दूंगा। भाई ये रील बना रहे हैं, रील दोनों जाने, ये 1 2 3 स्टार्ट, ये देखो भाई, अब थोड़ी भीड़ हो गई है, पहले भीड़ नहीं थी। ये रहा अपना सामान पड़ा हुआ, शीट मॉन्की भाई बैठे हैं अपना 6:20 पे डे 1 है ना अरमबोल बीच, भाई पीछे अपना टाइम लैप चल रहा है, आराम से बैठे हैं भाई, रिलैक्स बिल्कुल भाई, ये मूवमेंट कभी मुड़ के नहीं आएगा, इतना प्यारा भाई, ये सामने सीन देखो, ये देखो भाई पूरा सनसेट हो रहा है, पूरा पीपल हंगरी पीपल, बस आई थिंक फर्स्ट टाइम इन गोवा, आई एम फ्रॉम बुंदी, मगरमच्छ के आंसू कभी सच्चे नहीं होते, तो जिंदा हो मच के आंसू कभी सच्चे नहीं होते, और अगर 3 दोस्त 13 साल बाद एक ही रिपीट करें लोकेशन, तो बच्चे नहीं होते, तो जिंदा हो तुम, भाई इसमें जिंदा हो तुम, गजब था जमीन कुछ सीरियस है भाई, जमीन की जमीन जो है ना न्यू गुड़गांव में आ गई, इसलिए वो सीरियस है।
आरंभपुर का एक्सपीरियंस तो मेरा बढ़िया था। अच्छा, कारण ये है कल जो कलनपुर से गए थे ना, इतना शोर था लेकिन आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये गंदगी कोई नहीं है और लिमिटेड लोग और साफ सुथरा बीच है। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई गंदगी नहीं, मतलब अच्छा क्राउड है भाई। ये सीन देख लो, ये कभी समय मुड़ के वापस नहीं आएगा भाई। ये वाला समय जो है, सिक्स टाइम गोवा आया हूँ, छठी बार आया मैं भी छठी बार आया हूँ। और केरिम बीच आज तक नहीं गए, केरिम बीच पे हाँ तो उससे गए, मज़ा आया। अच्छा अच्छा था, साफ सुथरा। आज के दिन में एक यूनिक चीज़ बता दो तूने आज तक कभी ना की हो केरिम बीच के अलावा। भाई यूनिक चीज़ एक तो ये कि बाहर की बियर ला के एक शेक पे पी है। हाँ, ये हमने कभी नहीं, पहली बार किया है। हाँ, ये कभी नहीं। और तुम लोगों के साथ ही किया है। हाँ, तो मुझे पता है लोग, ये तुम लोगों के साथ ही कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, मतलब एक दो जगह बेइज्जती भी हुई हमारी, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो बेइज्जती बर्दाश्त भी तुम लोगों के साथ ही हो पाती है, वैसे नहीं हो पाती। मैं बताता हूँ, मोमेंट ऑफ द डे ऑल डे इज अ मोमेंट एंड इट इज द बेस्ट। बहुत बढ़िया। अब भाई निकल रहे हैं यहाँ से आरंभपुर से, अब चलेंगे भाई सीधा अपना होटल। कोई नहीं, कल का दिन भी है। भाई निकल चुके हैं अब, और वेज बर्गर डोनट, देसी डोनट, रिंग ब्रेड 5 रुपए। भाई आराम से निकले हैं भाई पूरे 7:15 बजे। भाई एंट्रीज की जो बेकरी है ना भाई, मस्त रिकमेंड प्लेस है, बहुत ही फ्रेश चीज और स्वाद और बढ़िया। भाई 7:15 हो गए 7:20 अब तक हम पहुंचे नहीं है कैलनपुर, इतनी दूर गए थे भाई, सोच लो आज। भाई रूम में पहुंच गए थे अभी, भाई रूम बिल्कुल क्लीन मिला हमको एकदम। अभी तो आके हमने इसके अंदर सामान सामान बिखेर दिया सारा। प्यार हो गया था। जितने मेरा शैम्पू यूज किया है ना उसमें से लेस कर लियो, बाकी दे दियो। पाउच ले लियो, पाउच ले लूंगा मैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लगी है वो बाहर है, वो तो बाहर है भाई। दिल शाद था के फूल खिल जहाँ ही नहीं है तुम्हारी आँख मारा गया। मुझको टेंशन ये हमारा सोटेरिया भाई अभी मार गया। नहीं ये ऐसे नहीं होता, तू मार लेगा मिक्स। हाँ, कैसे मार करता है। ये देखो हमारे दो सट्टेबाज, रिकॉर्ड नहीं हुई, द्वारा कर तू कर, फिर एक मैं मारूं। अब ये सट्टा दोनों भाई देखते कौन ज्यादा ट्रेंड है। ये पटक पटक कर रहा है इसकी ना।
हालांकि मैं खेलता नहीं। हम तो रोज खेल रहे हैं, तू नहीं खेलता। बालक तो मार क्या दे रहे भाई, टॉपी मार रहा है, कमाल कर रहे हैं भाई। मारता हूं देखो बैठो, कर दे अब उसको, दे दे ये मार दिया। अबे ये असली दिल्ली का छटा हुआ, छटा हुआ, छटा हुआ, छटा हुआ दे दिया। बस सच्चा हो भाई, भाई तुम ताश मोड़ दो। ओते ओते ये निशानी है, मैच देला सट्टे भाई जो भी भाई हमें तीन तरह की मीटर जाती है। ये जो आवाज आई है ना, किसी का तो पैसे है भाई। ट्यूशन ट्यूशन इसको आसान भी। एंट्रीज बेकरी का पैनकेक मफिन वो वाला देखा, मफिन मफिन एक ये पड़ा हुआ, एक है शायद और एक है विद आलमंड, और एक है एक तो वॉलनट, एक पाइनएप्पल और एक तो वनीला। डेट्स विद वॉलनट, वनीला नहीं पाइनएप्पल। क्या क्वालिटी थी यार इसकी, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल इंडियन रोड रेंजर, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।